हेलो एवरीवन, आप में से बहुत सारे बच्चे जेई मेन 2025 या आने वाले जेई मेन के एग्जामिनेशन में अपियर होने वाले हैं और आपका सबसे बड़ा डाउट होता है, भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए हम कौन सा बुक को फॉलो करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बुक के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर मेन के क्वेश्चन भी अवेलेबल होंगे, एडवांस के क्वेश्चन भी अवेलेबल होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप इस बुक को करके चले जाते हैं, तीनों ही सब्जेक्ट की मैं बताऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप इस बुक को फॉलो कर लेते हैं तो आपका जेई मेन और जेई एडवांस दोनों ही क्लियर हो जाएगा। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, इसके अंदर बहुत ही डिफरेंट तरीके से इस बुक के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया गया है, क्या कुछ इस बुक के अंदर आपको मिलेगी सारी बातें हम करेंगे। देखो ध्यान से समझना, जेई मेन और एडवांस दोनों के लिए इसमें क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। जो जेई एडवांस का क्वेश्चन अवेलेबल है वो लास्ट 47 इयर्स का, 1978 से लेकर के 2024 जो लास्ट ईयर एग्जामिनेशन हुआ है उसके भी क्वेश्चन यहां पे आपको मिल जाएंगे। और जो मेन की क्वेश्चन अवेलेबल है वो टोटल 124 सेट्स में 2019 से लेकर के 2024 लगभग लास्ट 6 ईयर का जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक वो सारे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। देखो कोई भी एग्जामिनेशन देने जाने से पहले उसके कम से कम लास्ट 5 साल का क्वेश्चन तो आप करके ही जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहां से भी सेम कॉन्सेप्ट के कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं सिर्फ डेटा चेंज करके। और इतना ही नहीं, उसके अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन में मिलेगा, जो आपके 2024 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसके आपके वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे। तो अगर जेई मेन और एडवांस के लिए इस बुक को करके आप चले जाएंगे तो पीडब्ल्यू की ओर से, फिजिक्स वाला की ओर से लॉन्च किया गया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, ये तीनों ही सब्जेक्ट के आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिल जाएगा। इस बुक की सबसे अच्छी खास बात यह है कि जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे, जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी आप कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, कोई सा भी पढ़ रहे हैं, तो आप जाकर के सिंपली चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज चैप्टर के अंदर भी टॉपिक में डिवाइड किया गया है, जिससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ में करते चलेंगे। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हुआ या टॉपिक खत्म हुआ, सिंपली आप उस टॉपिक से रिलेटेड जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। एक होते हैं आपके पूरे मिक्स में कि शिफ्ट वाइज होता है, तो क्या करना पड़ता है, पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद जाकर के करेंगे, तो यहां पे वैसा नहीं है, आप चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज करेंगे। तो जब तक आपका सिलेबस खत्म होगा तब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूरा खत्म कर लोगे। तो इसीलिए इस बुक की सबसे अच्छी खास बात मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इस बुक का, जाकर के सभी बच्चे परचेज कर सकते हैं। आंसर की जो है ना वो ऑफिशियल आंसर की से बिल्कुल वेरीफाइड है। दूसरी बात, जो लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन हुआ उसके पेपर को पूरे अच्छे तरीके से एनालाइज भी किया गया है कि किस टॉपिक से, किस चैप्टर से कितना परसेंट क्वेश्चन, कितना परसेंट वेटेज देखने को मिला है, जिससे आप चैप्टर के वेटेज को भी समझ पाएंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन किस ईयर आ रहे हैं। ये सारे पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा इस बुक के अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा एनालिसिस आपको इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, जो पिछले साल एग्जामिनेशन हुआ उसमें अप्रैल सेशन के एग्जामिनेशन में कौन से चैप्टर से कितना आया, जनवरी वाला सेशन के एग्जामिनेशन में कौन से चैप्टर से कितने आए, पूरा वेटेज कि कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है, पूरे क्वेश्चन दिखाए गए कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया है। तो भाई यही तो बच्चों को चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर देंगे, ये सारा एनालिसिस आपको इसके अंदर मिलेगा। आगे बढ़ेंगे तो देखो आगे भी ये सारी चीजें यहां पे आप देख सकते हैं, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल का बच्चे का बन जाएगा, जिससे आप टारगेट भी कर पाएंगे अपना, मतलब पूरा एनालिसिस इसके अंदर होता है, कौन से शिफ्ट में कितने बच्चे रजिस्टर किए थे, कितने बच्चे अपीयर हुए थे, ये सारा आपके कंपटीशन के हिसाब से भी ये बहुत बुक आपके लिए काफी कारगर रहने वाला है। बाकी बुक को आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं, बहुत सारे एनालिसिस इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। यहां से स्टार्ट होता है कंटेंट, पूरा चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सारी चीजें यहां पे आपको समझाया गया है। आगे देखो, यहां से जेई मेन का क्वेश्चन स्टार्ट होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, उसके पूरे टॉपिक वाइज पहले इजी क्वेश्चन होंगे, फिर धीरे धीरे करते करते उससे थोड़े हार्ड, फिर थोड़े हार्ड, फिर आपको एडवांस लेवल पर लेकर के जाया जाएगा। तो मतलब बुक बहुत ही बेहतरीन है, सभी बच्चे जाकर के परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं डाल दूंगा। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इस बुक को पीडब्ल्यू स्टोर से परचेस करेंगे तो कोड यूज कर लीजिएगा JEE2। जैसे ही इस कोड को यूज करेंगे आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिलेगा पीडब्ल्यू स्टोर पर, साथ ही अमेजॉन से भी आप लोग परचेस कर सकते हैं, दोनों ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहां पे देखो, जो बुक मैं आपको दिखा रहा था 47+124 ये वाली बुक है, सिंपली आप यहां से जाकर के परचेस कर सकते हैं बुक को। अगर पीडब्ल्यू स्टोर से परचेस करेंगे तो कोड यूज करिएगा JEE2, तो आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिलेगा। आप अमेजॉन से भी परचेस कर सकते हैं, तो दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अभी जाकर के परचेस करिए। जेई मेन और एडवांस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ये बुक बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, बाकी यहां पे और भी कई तरह के बुक अवेलेबल हैं, आप चाहे तो इसको भी परचेस कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।